जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं आज के ECS स्वीडन T10 के चौथे मुकाबले की, जो कि STO और HUD के बीच खेला जाएगा। अब दोस्तों मैच में केवल यहाँ पे 1 घंटे 45 मिनट बाकी है, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, वो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाना। लिंक दोस्तों टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी मैच से रिलेटेड सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। GL की भी टीम हो सके तो मैं यहीं पे दूंगा, बाकी स्मॉल लीग्स की टीम तो आपको मिलेगी ही मिलेगी इसी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमने जो 2 मैचेस कवर किए ना, उसमें HUD के साइड से जो खेलने वाले हैं उनके बारे में तो आपको पता होगा, बस STO के बारे में है ना, STO के प्लेयर्स के बारे में आपको नहीं पता होगा। कौन से प्लेयर रखने हैं, कौन से बाहर करने हैं, कौन सा बॉलर कहाँ पे बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो सारा कुछ इस वीडियो पे जाने के आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, है ना। अब तो अगर ओपन करें तो सबसे पहले तो बात करेंगे STO के साइड से। अब दोस्तों वीडियो को कोई भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ से ना मैं कुछ ऐसे प्लेयर बताने वाला हूँ आपको, जो दोस्तों आप भी कहोगे यार ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। ओपन करेंगे STO का जो लास्ट का गेम हुआ था ना इनका STG के साथ, तो STO का ओपन करें। अब यहाँ पे आप देखो विनोद, ठीक है, अर्चन वैद्य, हालांकि ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये याद रखना, राजेश लाल खेले थे लास्ट का गेम, अभिषेक माथुर, अब ये आपको नहीं पता होगा दोस्तों, अभिषेक माथुर को जो इनका फर्स्ट गेम था ना STO का, कोई भी नहीं ले रहा था, बट मैंने आपको स्टैट्स के थ्रू दिखाया था यार अभिषेक माथुर कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है। अश्विन का देखो, शिव RC का देखो, इनकी बैटिंग पोजीशन ये नहीं है, है ना। अगर तो मैं आपको बताऊँ अभिषेक माथुर जो कि आपको टॉप पर ही बैटिंग करते नज़र आएंगे, यानी कि ओपनिंग पे, इसके अलावा राजेश लाल है ना, लास्ट के गेम में दोस्तों बहुत ही अच्छी पारी खेली थी इन्होंने। अर्जुन वैद्य एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बैटिंग के लिए, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो ऑलराउंडर से, सो शिवा RC को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ऑप्शन वैसे काफ़ी नीचे बैटिंग कराएंगे, बट उनका बैटिंग पोजिशन वो नहीं है, अगर तो ऊपर बैटिंग कराते हैं ना तब आप ज़रूर रखना अपनी टीम पर। एल संधू एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओवरऑल बैटिंग तो हमने कवर की ना, बॉलिंग के अंदर दोस्तों एल संधु जो कि पूरा स्पेल करेंगे, इसके अलावा डी सिंह का देखना पड़ेगा, जोशुआ का भी देखना पड़ेगा दोस्तों। शिवा RC हमने लिए हुए हैं, संतोष एक तो संतोष का देखना है, तो डी सिंह कहाँ पे हैं, बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है क्योंकि पॉइंट्स भी कम ही देके जा रहे हैं। एल संधु ओवरऑल बढ़िया पॉइंट्स देके जा रहे हैं दोस्तों, और कोई ख़ास ऑप्शन अगर मेरे नज़र में है ना तो वो कौन है दोस्तों, माइंड लगाइए, संतोष दोस्तों, संतोष को ट्राई कर सकते हो आप, अमूमन आपको अच्छे खासे ही पॉइंट्स दे के जाएंगे। अब ये बैक हो गया, कोई बात नहीं, हम फिल्टर से दोस्तों फिर से कवर कर लेंगे। सो अभिषेक माथुर, राजेश लाल, अर्जुन वैद्य, इसके अलावा और कौन थे दोस्तों, संतोष, यहाँ से आई थिंक शिवा RC थी और एल संधू। प्रीव्यू देख लीजिए, 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर, बॉलिंग बैटिंग दोनों कवर की है हमने, ठीक है। इसके अलावा HUD की अगर आप बात करो ना, तो HUD के साइड से दोस्तों विकेट कीपिंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि IZUWOK जो कि बहुत ही अच्छी अपना पॉइंट्स देके जा रहा है ना, जजाई लास्ट के गेम में दोस्तों, जो कि 8 जुलाई कल का है इनका स्टार्ट, एक मैच तो अभी इनका लाइव है ना, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराते हैं, ठीक है, लास्ट पे देखेंगे, अगर तो हो सके तो रखेंगे। रहमानी और एन इकबाल मिडिल ऑर्डर के अंदर, इसके अलावा सईद अहमद, TZUWOK, बाकी F मोहम्मद हम फिर यहाँ से नहीं रख पाएंगे ना, कोई बात नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन आपके बॉलिंग के लिए ही है, है ना। सामने वाली टीम से भी अगर बात करूँ तो एल संधू, शिवा RC, संतोष, है ना, ये सारे बॉलिंग ऑप्शन हैं इनके। CVC के काफ़ी ऑप्शन हैं इनके अंदर, 8 लाल हैं, ठीक है, रहमानी है, शिवा RC नहीं दोस्तों, सईद अहमद है, TZUWOK है, एन इकबाल है, अर्चन वैद्य हैं, अभिषेक माथुर हाईली GL के लिए सजेस्ट करूंगा। तो जिनको मैंने सर्कल किए थे ना अभी, सारे को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ना ग्रैंड लीग्स के अंदर ट्राई कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन ना आपको ग्रैंड लीग जिता के देने वाले हैं। ठीक है, जस्ट मैं रिवर्स करूँगा दोस्तों इसका सीबीसी, जब से मैंने पिछले गेम में बनाया था शहीद में अपना सईद अहमद को वीसी और टी जुवाक को कैप्टन किया था मैंने, सेम इसका रिवर्स। बाकी मेरी फाइनल टीम यही रहने वाली है। बाकी अगर आपको लगता है कोई चेंजेस करने चाहिए तो नीचे कमेंट करना। लाइनअप्स आने के बाद दोस्तों मैं उस पर ज़रूर कंसिडर करूँगा आपकी बात पर, है ना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको वीडियोस के अंदर फाइनल टीम मिले। बाकी ये हमारी ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, अगर तो टॉस होने के बाद ना कोई चेंजेस नहीं होते लाइनअप्स में तो मेरी फाइनल टीम यही रहेगी। बाकी दोस्तों टेलीग्राम से सभी जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।